सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत शरीर लक्षण विज्ञान की चर्चा की गई है और पामिस्ट्री या हस्तरेखा शास्त्र में भी उंगलियों के बारे में बताया गया है और विस्तार से चर्चा की गई है। आज हम उंगलियों के अधिक पूर्वों के बारे में बता रहे हैं और उंगलियों के आकार के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि इनका क्या फल होता है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और इस चैनल में अगर आपकी रुचि है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु की और मैं ऐसी बातें आपको बताती हूँ जो किसी अन्य चैनल पर आपको शायद ही कहीं मिलती होंगी। मिल भी जाती हैं तो हम आपके शुभचिंतक हैं, आपका भला ही चाहेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो उंगलियों पर केंद्रित है। जिनकी उंगलियों के पौर्वे समझते हैं ना, उंगलियों के तीन पौर्वे होते हैं, तो सामान्य से अधिक पौर्वे होना उस व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। उसका भाग्योदय शीघ्र ही होता है, उसको समझना चाहिए। विशेष रूप से उस व्यक्ति के 25वें वर्ष में उसका भाग्योदय होता है और किसी शुभ फल की प्राप्ति उसको होती है जिसके पौर्वे सामान्य से अधिक संख्या में हों। मतलब उसका भाग्योदय 25 साल के बाद होता है, 25 साल के दौरान भी हो सकता है और ये अवधि कम ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब उससे पूर्व भी नहीं होता लेकिन 25 वर्ष के बाद उसका भाग्योदय होता है और उसको किसी शुभ फल को तैयार रहना चाहिए। जिनकी उंगलियां नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, वो शुभ फल को प्राप्त करते हैं। उन व्यक्तियों को फेम बहुत मिलता है, वो बहुत फेमस होते हैं। किसी भी क्षेत्र में काम करें उनको प्रसिद्धि बहुत मात्रा में मिलती है, ये उनकी खास बात होती है। जिनके हाथ सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिव बात ये होती है कि ये वो लोगों से उधार बहुत लेते हैं और इस वजह से कर्जा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। जिनकी उंगलियाँ हेल्दी होती हैं, मतलब कुपोषित नहीं होती, हड्डियां नहीं नज़र आती और मांस ही मांस नज़र आता है, या उन्हें पुष्टता को प्राप्त होती हैं, वो आरामदायक ज़िंदगी पसंद करते हैं। हर काम आसानी से सुलभ हो जाए ये पसंद करते हैं। मिलनसारिता का गुण इनमें विशेष रूप से व्याप्त होता है। सदैव खुशियां पाना चाहते हैं, सदैव आरामदायक ज़िंदगी पाना चाहते हैं, सदैव सुख पाना चाहते हैं, ये उनकी मूल भावना होती है या मूल आदत होती है। जिनकी उंगलियां लंबी होती है वो बहुत मेहनतकश होते हैं और अपनी मेहनत से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। कुल मिलाके अपने भाग्य के निर्माता वो स्वयं होते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। उनको लक्ष्मीपति भी आप कह सकते हैं, मतलब उनको लक्ष्मीपति का मतलब है विष्णु भगवान के समान वैभव वाले होना। हालांकि लक्ष्मीपति उनको बोलना सही नहीं है, लेकिन लक्ष्मीपति प्राय पैसे वाले लोगों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो हम क्षमा चाहते हैं इस शब्द के लिए हमने प्रयोग किया, लेकिन हमारा मतलब है पैसे वाला होने से। वो हर काम में जी जान से जुटे रहते हैं और बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। जिनकी उंगलियां छोटी होती हैं वो अपनी धुन में मगन रहते हैं और अपने हिसाब से ही सब काम करते हैं। उनको जो सही लगता है वही करते हैं, गलत लगता है तो गलत करते हैं। बहादुर बहुत होते हैं, क्लेवर भी बहुत होते हैं, यानी चालाकी उनके अंदर भरी होती है, लेकिन सूझबूझ इसको कह सकते हैं, चालाकी की बजाय सूझबूझ शब्द अति उत्तम है, लेकिन कुल मिलाके चालाक तो होते हैं। जिनकी उंगलियां लंबी होने के साथ साथ नुकीली होती है वो बहुत मेहनती होते हैं और परिश्रम करके पैसा कमाते हैं और ये उनका गुण होता है। उनके पास बहुत पैसा होता है, लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।